हाय गाइस, आज मेरे हाथ में ना दो बहुत इंटेलिजेंट एंड्रॉइड फोन्स है। मैं बॉक्स खोल के आपको दिखाता हूँ। दोनों फोन जो है बहुत अच्छे कलर्स में मेरे पास आए हैं और यहाँ पर OTG कनेक्टर भी है और साथ में डेटा केबल और डॉक्यूमेंटेशन मिलती है। इनफैक्ट ये जो पिक्सल फोन होता है ना, अपने कैमरे के लिए भी जाने जाते हैं। तो आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली में ये फोन्स है कैसे और इनका मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट आज ही आया है, तो सारी बातें मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। ऐसी वीडियोस में बनाते रहो तो आप सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो डिजाइन है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि काफी ज्वेलरी या फिर एक लग्जरी आइटम का लाइक फीलिंग देती है। जैसे कि यहां पर जो कैमरे की तरफ बार है, ये पिक्सल की आइडेंटिटी बन चुकी है। पिक्सल 6 प्रो में भी बहुत अच्छा लगता था, इस बार इन्होंने जो लेंस के कटआउट है वो बहुत अच्छे कर रखे है। और अगर मैं आपको पिक्सल 7 दिखाऊं, इसके अंदर बस एक कैमरे का कटआउट नहीं है और वैसे जो है बिल्कुल आइडेंटिकल दिखते हैं। और दोनों में डिफरेंस मेन ये आता है कि जो प्रो वाला वेरिएंट है वो थोड़ा शाइनी है, मुझे ऐसा लगता है, जो कि लॉन्ग टर्म में काफी स्क्रैचेस लेकर आएगा। बट जो पिक्सल 7 है, इसके अंदर जो है शाइनी बार नहीं मिलती कैमरे के अराउंड, तो इस पे कम स्क्रैचेस लगेंगे। और पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मुझे जो है पिक्सल 7 प्रो का कलर कुछ ज्यादा ही पसंद आया है। मैं सच में बाकी ब्रांड्स को भी देखना चाहूंगा इस कलर के साथ। और यहां पर जो है कैमरे की बार और फ्रेम है, हमें मेटल की देखने को मिलती है और ये गोल्डन कलर की है। क्या मस्त एस्थेटिक इसको दे रहे हैं। अब क्विकली कुछ बातें बताता हूं, मैंने इतना अच्छा हैप्टिक फीडबैक आज तक किसी भी स्मार्टफोन में यूज नहीं किया है। जो इसके स्पीकर्स है वो मुझे लाइक अबव एवरेज ही लगे हैं, वहां पर मुझे डेप्थ थोड़ी सी मिसिंग लगी। प्रिसाइजली बताऊं तो मेरे को ऐसा लगता है कि बेस थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, बट इसमें जो स्पीच है, अगर आप कोई भी वीडियो देखोगे, वो क्रिस्टल क्लियर आती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, गूगल ने फाइनली अपना फिंगरप्रिंट स्कैनर बिल्कुल सॉल्व कर लिया है। पिक्सल 6 के टाइम पे बहुत बदनामी हुई थी, बट हां, इस फोन के अंदर अच्छे से वर्क कर रहा है। वैसे एक और बात है कि फेस अनलॉक वापस आ गया गूगल पिक्सल के अंदर, ठीक वर्क कर रहा है, मुझे इतना इंटरेस्टिंग फीचर नहीं लगता। लेकिन इस फोन की एक माइंड ब्लोइंग बात आती है, वो है वेट डिस्ट्रीब्यूशन की। 212 ग्राम का ये फोन है और जब मैंने इसको पहली बार उठाया था, ये बिल्कुल भी इतना हैवी फील नहीं होता है। और इतने प्रीमियम मटेरियल यूज करा है, इसके लिए तो 100% तारीफें बनती है। नो डाउट IP68 रेटिंग जो है इस फोन को एक एक्स्ट्रा लेयर भी देती है सिक्योरिटी की। एक और बात, ये जो पिक्सल 7 है ना, मुझे बहुत परफेक्ट साइज का लगा है और ये बहुत अच्छा दिखता है भाई, काफी प्रीमियम ये फोन भी है। अब दोनों फोन की फ्रंट वाली साइड देखो, अब जो प्रो वाला वेरिएंट है उसकी हेड और चीन बिल्कुल यूनिफॉर्म देखने को मिलती है और वहां पर कर्व डिस्प्ले है, जबकि पिक्सल 7 की मैं बात करूं तो यहां पर जो है थोड़े से बेजल्स देखने को मिलते हैं, जो कि मुझे हल्का सा डिसअपॉइंटिंग पार्ट लगा। अब यहां पर मैं प्रो वेरिएंट की बात करना चाहूंगा, इसमें जो है 6.7 इंच की एक OLED डिस्प्ले डली हुई है जो कि LTPO है और 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। और सबसे फ्लैगशिप बात तो ये है कि यहां पर क्वाड HD रेजोल्यूशन मिल जाता है, तो भाई काफी हाई रेजोल्यूशन भी है। और इस डिस्प्ले को और प्रीमियम बनाने के लिए यहां पर दो लेयर्स और ऐड हो जाती है। 1500 निट्स एक ह्यूज ब्राइटनेस का नंबर है और साथ में यहां पर गोरिल्ला ग्लास विक्टिस की प्रोटेक्शन है। और प्रैक्टिकली बताऊं तो प्रो वेरिएंट के अंदर इन्होंने कर्व डिस्प्ले दी है जो कि ज्यादा कर्व नहीं है, तो एक्सटर्नल टच बहुत कम आएंगे। और साथ के साथ क्या मस्त तरीके से कैलिब्रेट करी है, इतने ज्यादा अच्छे कलर्स मेरे को और किसी फोन के डिस्प्ले में नहीं मिली। बट इसमें एक और बात ऐड कर देता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे ब्राइटेस्ट डिस्प्ले है या फिर सबसे शार्पेस्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत कलर एक्यूरेट डिस्प्ले है। बट अगर मैं पिक्सल 7 की बात करूं ना, तो यहां पर डिफरेंस ये है कि ये 90 हर्ट्ज के साथ आता है, तो ये चीज एक थोड़ी सी ध्यान देने वाली है। बट हां, बाकी सारी चीजें एप्लीकेबल है, ये भी बहुत कलर एक्यूरेट डिस्प्ले है और जिसका रेजोल्यूशन फुल HD+ है, बट स्टिल मैं बोलूंगा अच्छी डिस्प्ले। अब बैटरी डिपार्टमेंट की बात करते हैं, जो पिक्सल 7 प्रो है वो 5000mAh बैटरी के साथ आता है और जो पिक्सल 7 है वो 4355mAh बैटरी के साथ आता है। मैं एकदम स्ट्रेट आपको बताता हूं कि मुझे ना बैटरी कैपेसिटी से शिकायत नहीं है, बट मुझे चार्जिंग टेक्नोलॉजी से बहुत शिकायत है, क्योंकि जो पिक्सल 7 प्रो है वो मैक्सिमम 23 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है और जो पिक्सल 7 है वो तो 20 वॉट पर ही है। मेरे हिसाब से चार्जिंग टेक्नोलॉजी में गूगल को इंप्रूव करने की नीड है, क्योंकि जो बाकी फोन्स है वो तो 150 वॉट पे जा चुके हैं। वैसे अच्छी बात यह है कि दोनों फोन जो है वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, तो लाइक सही बैलेंस है, सच मुझे कोई शिकायत नहीं। और अब सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करते हैं, क्योंकि गूगल पिक्सल्स जो है अपने बेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के लिए जाने जाते हैं और इंटेलिजेंट तो होते ही है। अभी जो दोनों फोन है ना, एंड्रॉइड 13 के साथ आते हैं और जब से मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट किया ना इन फोन्स का, बहुत अलग अलग फीचर्स आ गए इनके अंदर। जो लोग नए हैं उनके लिए बता देता हूं कि जो पिक्सल के सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो एकदम स्टॉक एंड्रॉइड रहते हैं और काफी अच्छे और इजी टू यूज होते हैं। मटेरियल यूज के अंदर देखने में मिलता है, चाहे फिर वो आइकन्स हो या फिर जो पूरी ओवरऑल कंसिस्टेंसी है पूरी UI के अंदर। और इन सब चीजों के साथ जो है गूगल अपने पिक्सल फोन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स देता है। जैसे कि इनकी रिकॉर्डर ऐप के बारे में बताऊं तो यहां पर जो है नॉर्मल वॉइस रिकॉर्ड तो होता ही है, बट जो भी यूजर बोल रहा होता है वो साथ के साथ उसको टेक्स्ट फॉर्म में भी लिखता है और ये इंग्लिश लैंग्वेज में तो कुछ ज्यादा ही अच्छे से वर्क करता है। अब नेक्स्ट फीचर मेरा पर्सनल फेवरेट है, असिस्टेंट वॉइस टाइपिंग। देखो यहां पर मैं माइक पे क्लिक करूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू टेक बार इफ यू लव टेक्नोलॉजी, एक्साइटेड इमोजी।
तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर एक्साइटेड इमोजी जब मैंने बोला तो वहां पर इमोजी भी आ गया और परफेक्टली ये कैच करते हैं हर एक वर्ड। और ये जो पिक्सल फोन होते हैं ना वो रियल बड़े स्मार्ट होते हैं। और जैसे कि मैंने बताया पिक्सल फोन बड़े स्मार्ट होते हैं, अगर आप इनको आंसर बोलते हो तो कॉल उठ जाती है, डिक्लाइन पे फोन कट जाता है। अब एक और चीज ऐड करिए, साइलेंस बोलने पे कॉल जो है साइलेंट हो जाएगी, वो फिलहाल इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा। पता चीजें और इंटरेस्टिंग कब हुई, जब गूगल ने जो है एआई का यूज करा कॉलिंग को इंप्रूव करने के लिए। और इस चीज को मैंने क्रॉस चेक भी करा है, चाहे मैं कितनी भी धीरे आवाज में बात करूं फोन पे, इस फोन का माइक्रोफोन जो है बहुत क्रेजी लेवल पे ऑडियो कैच करता है और नॉइज बहुत कम रहती है। नो डाउट गूगल एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और वो इनके फोन्स में दिखता है। इनफैक्ट बात यहां पर खत्म नहीं होती, लोगों का माइंड तब ब्लो हुआ कि अगर आपकी गूगल फोटोज में कोई भी ब्लर फोटो है तो वो उसको शार्प बना सकता है फिर से। मेरे हिसाब से तो ये क्रेजी फीचर है, अगर आप कोई भी अपनी पुरानी फोटो को ठीक करना चाहो तो भाई आपकी फोटो ठीक हो जाएगी। और पता है जो सॉफ्टवेयर की लिस्ट है ना बढ़ती रहती है, क्योंकि एवरी 3 मंथ जो है गूगल पिक्सल फोन के अंदर एक नए फीचर आते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जो है गूगल 3 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट देता है। आई विश यार गूगल के हाथ में पूरा एंड्रॉइड, मेरे हिसाब से और बड़ा नंबर प्रॉमिस कर सकते थे, लाइक 5 ईयर प्रॉमिस कर सकते थे, क्योंकि सैमसंग 4 साल का प्रॉमिस करता है सॉफ्टवेयर, मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स। ऐसे गूगल ने जो है 5 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट जरूर प्रॉमिस करे और साथ में टाइटन M2 चिप भी इनके अंदर। बट अब मैं आप लोगों से परफॉर्मेंस के बारे में बात करना चाहता हूं, और ये कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट भी है। यहाँ पर गूगल पिक्सल में यूज करा है टेंसर G2 प्रोसेसर, और गाइस ट्विटर पे और टेक कम्युनिटी के बीच में इस प्रोसेसर को लेके बहुत सारे डाउट्स है। स्पेसिफिकली लोगों को डाउट है क्या ये हीट करता है या फिर नहीं। ढंग से बताता हूँ, देखो एक चीज मैं बता सकता हूँ, ये जो पिक्सल फोन होते हैं ना कभी भी अपनी रॉ परफॉर्मेंस के लिए नहीं जाने जाते। गूगल सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है AI के ऊपर, इनका हर एक फीचर चाहे वो फिर कैमरा हो या फिर सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट हो, ज्यादातर AI इनका कोर रहता है। तो ये जो AI की पावर है ना इनके प्रोसेसर में फॉर श्योर फील होती है। बट वैसे परफॉर्मेंस की बात करूं तो देखो जितने भी बेंचमार्क स्कोर्स है ना वो खुद एक्सप्लेन करते हैं कि ये मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर तो नहीं है। मैं इतना बता सकता हूं कि ये स्नैपड्रैगन 888+ के मुकाबले का प्रोसेसर है। और सीपीयू थ्रॉटलिंग की बात करूं ना तो ग्राफ तो जो है फिर भी ठीक आया है, एक टाइम पर तो बिल्कुल रेड होता था और 78% हमें देखने को मिला है। मैं सीधा बता सकता हूं देखिए डिसेंट है। दूसरे पर्सपेक्टिव से बताऊं तो नॉर्मल टास्क परफॉर्म करने के लिए तो प्रोसेसर बिल्कुल ठीक है, एज सच इतनी प्रॉब्लम नहीं देता। वैसे अगर मैं गेमिंग की बात करूं तो मैंने इसके अंदर कॉल ऑफ ड्यूटी इंस्टॉल करा था जो कि लो 120 FPS सेटिंग पे चल रहा था। तो मैंने थोड़ी देर टेस्टिंग करी तो मैंने नोटिस करा कि ये 90 FPS पे लॉक्ड है। और अगर आप इस फोन में कोई भी हैवी गेम खेलने गए ना जैसे कि जेंशन इंपैक्ट, वहां पर ये जो है 50-55 फ्रेम्स में जो है अप एंड डाउन करता रहता है। अगर मैं इजी वर्ड्स में बताऊं ना मुझे परफॉर्मेंस कैसी लगी, तो अगर मैं पिक्सल 6 प्रो से कंपेयर करूं तो मुझे काफी चीजें इंप्रूव्ड फील हो रही है, खासकर हीटिंग या थर्मल्स जो है इंप्रूव्ड है। एक बात बता दो गाइस, इन फोन की ना मुझे हीटिंग सिचुएशन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, क्योंकि जब मैंने फोन को पहली बार स्टार्ट किया था ना मुझे हेयर एंड देयर हीटिंग देखने मिल रही थी। बट जब से सॉफ्टवेयर अपडेट किया है अभी तक तो इतनी मेजर हीटिंग या फिर नॉर्मल भी हीटिंग फेस नहीं हुई है। मुझे थोड़ा टाइम दो यार, जब जाके मैं थोड़ा सा क्लियरली बता पाऊंगा। ऐसे एक और बात बताता हूं, पिक्सल जो है अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैमरास के लिए भी जाना जाता है। जैसे कि इसकी बात करूं तो पिछले साल वाला कैमरा सेटअप मिलता है, बट चीजें जो है इंप्रूव्ड है, खासकर सेंसर 50+12+48 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप है बैक साइड में, और जो फ्रंट है वो 10.8 MP का देखने में मिलता है। और जो पिक्सल 7 है ना इसके अंदर बस टेलीफोटो लेंस नहीं है, तो 50+12 MP का सेटअप है। एक और बात, इस पिक्सल 7 प्रो में ना 5x जूम तो देखने को मिलता है ऑप्टिकल, लेकिन एक फीचर है सुपर रेज जूम, एंड ओह माय गॉड गाइस ये 30x पे इतनी शार्प फोटोज खींच रहा है, मुझे नहीं लगा था कि AI से इतना मैजिक हो सकता है। फिर से बोलूंगा AI मैजिक की वजह से ना इस फोन से अगर आप 2x फोटो खींचते हो या फिर जब 10x खींचते हो तो डिजिटल जूम होने के बाद ही बहुत शार्प फोटोज खींच रहा है। और जो अल्ट्रा वाइड लेंस है ना मैंने नोटिस करा वो थोड़ा सा और वाइड कर दिया गया है, ये चीज अच्छी है। और साथ में ऑटो फोकस भी है जिसकी वजह से मैक्रो फोटोज भी आती है, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट शॉट है इस फोन का। और कैमरा सिंपल्स दिखाओ ना, खासकर ह्यूमन सब्जेक्ट के, तो मैंने नोटिस करा है कि ये स्किन टोन बहुत अच्छी कैप्चर कर पाता है, बिल्कुल रियल रहती है। और पता है इतनी अच्छी स्किन टोन क्यों आ रही है, क्योंकि इन्होंने लास्ट ईयर जो है रियल टोन एक फीचर इंट्रोड्यूस करा था, अब उसको और इंप्रूव किया है, इसलिए इतनी अच्छी फोटोज है। और एक और फीचर इसके अंदर सिनेमेटिक ब्लर, अगर आप वीडियो शूट करोगे तो बैकग्राउंड में ब्लर आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसका कटआउट जो एज रिडक्शन है वो इतनी अच्छी नहीं है, और 1080p 24 FPS पे वर्क करता है, आई थिंक यहां पर बहुत इंप्रूवमेंट की जा सकती है। बट इस फोन में एक सुपर यूनिक फीचर है गाइडेड फ्रेम, अगर आपकी विजन कम है या फिर कोई ब्लाइंड पर्सन इस फोन को यूज कर रहा है तो ये फोन जो है उसको बताएगा कि कैसे आपको अपनी सेल्फी खींचनी है, जो कि बेस्ट तरीके से आएगी। और एक सुपर टेकी फीचर बताऊं जो सुनकर मतलब मैं बहुत हैरान हो गया था,
अगर इस फोन से अगर आप 2.5x या फिर 5x के बीच में फोटो खींचते हो तो ये जो है ना दो फोटो खींचेगा, एक मेन लेंस से और एक टेलीफोटो लेंस से, और उन दोनों को जोड़ के एक फोटो बनाएगा। सोचो भाई AI कितनी पावरफुल है। अब मैं आपको फोटोज दिखाता जो मैंने इस फोन से खींची है, काफी सारी है, और मैंने नोटिस किया है कि हर बार जो है कॉन्ट्रास्ट रहता है फोटो के अंदर, थोड़ा सा कूल साइड भी रहती है फोटोज, और जो कलर्स है वो काफी एक्यूरेट रहते हैं। इन शॉर्ट ये गूगल पिक्सल की पहचान बन चुका है। हमेशा से जो है गूगल पिक्सल जो है ऐसी ही फोटोज खींचते हैं, और वो इस साल भी मेंटेन किया इन्होंने। और बिना पोर्ट्रेट मोड ऑन करे ना यहाँ पर बैकग्राउंड में हमें ब्लर देखने में मिलता है, जो कि इसको और बेटर कैमरा बनाता है। एक और बात बताऊं, सारे लेंस के बीच में ना बहुत अच्छा इन्होंने मेंटेन करा है कलर एक्यूरेसी को। अगर मैं अल्ट्रा वाइड, मेन, 2x और 5x की फोटोज दिखाऊं तो मेरे हिसाब से आप देख के बता सकते हो कि यहाँ पर कलर्स अच्छी तरीके से मेंटेन किए हैं। और अगर मैं सेल्फी की बात करूँ ना तो यहाँ पर फोटोज तो बहुत अच्छी आती है, चाहे फिर वो पोर्ट्रेट मोड से हो या फिर स्किन टोन, जो शार्पनेस वगैरह बहुत सही है, लेकिन ये बहुत अल्ट्रा वाइड हो जाता है फ्रंट कैमरे के अंदर। तो आप ग्रुप सेल्फी लेना चाहो तो वहां पर ये बहुत हेल्प करेगा। अब वीडियो की बात करते हैं, ये फोन कैपेबिलिटी रखता है कि फ्रंट और बैक दोनों से 4K 60fps में रिकॉर्ड कर सकता है, और मेरी लिमिटेड टेस्टिंग के अंदर मुझे फील हुआ कि वीडियो क्वालिटी तो इंप्रूव्ड है, नो डाउट, बट जब हम लेंस शिफ्ट करते हैं ना 5x के टाइम पे हल्का सा मेरे को डिले दिखा। और इसमें एक और फीचर है स्पीच एनहांसमेंट का, उसको ऑन और ऑफ करके मैं आपको दिखाता हूं। तो गाइस देखो अभी कितना शोर है, पीछे वैक्यूम क्लीनर हमने चला रखा है और आपको आवाज नहीं आ रही होगी। और गाइस अब स्पीच एनहांसमेंट ऑन है और आप देखो कितना फर्क आ गया है। एक और बात, इस फोन से आप HDR10 वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, और अगर आप TikTok जो कि इंडिया में नहीं है और Snapchat में भी सपोर्ट HDR10 वीडियोस रिकॉर्ड करने का, तो ये मेरे को बहुत सही फीचर लगता है। इनफैक्ट सिर्फ तीन फोन है, iPhone, Samsung और साथ में गूगल पिक्सल, सिर्फ ये तीन फोन है जो आपको थर्ड पार्टी ऐप्स जैसे कि Instagram, Snapchat, इनमें ऑप्शन देता है कि आप वाइड और अल्ट्रा वाइड लेंस के बीच में शिफ्ट कर सकते हो। ये बहुत यूजफुल फीचर है, जब आप यूज करना शुरू करोगे फिर आपको बाकी फोन में नहीं मिला तो आप परेशान हो जाओगे। तो ये सारी बातें जो है ना पिक्सल 7 प्रो की थी। अगर मैं पिक्सल 7 की बात करूँ ना तो दोनों का मेन कैमरा तो बिल्कुल सेम है, वहां से बहुत अच्छी फोटोज आ रही है, लेकिन अल्ट्रा वाइड में डिफरेंस दिखता है कि यहाँ पे जो है ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू, मतलब ज्यादा वाइड नहीं है नॉर्मल वाले वेरिएंट का कैमरा, और ना ही यहाँ पर अल्ट्रा वाइड में ऑटो फोकस देखने में मिलता, और इस वजह से मैक्रो फोटोज भी नहीं आती इससे। एक और डिफरेंस है कि जो प्रो वेरिएंट है ना वो 30x तक जूम कर सकता है ना, बट जो ये नॉर्मल वेरिएंट है वो 8x तक मैक्सिमम जूम करता है, बट इसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। अब कंक्लूजन की बात करते हैं कि एग्जैक्टली मैं पिक्सल 7 सीरीज कैसी है, तो मैं आपको सिंपल सी बात बोलूंगा, अगर आपको गूगल पिक्सल टेस्ट करना है ना तो सारे ऑफर लगा के हमें 50,000 रुपीस में पिक्सल 7 मिल रहा है। हाँ इसके अंदर 90 हर्ट्ज है, वो एक डाउनसाइड है, लेकिन ये फोन जो है बहुत सॉलिड है यार, मतलब इतना अच्छा फोन चलता है ये, मेरे हिसाब से 50,000 रुपीस में एक अमेजिंग वैल्यू तो फॉर श्योर दे रहा है। और पिक्सल 7 प्रो की बात करूं ना, इसका प्राइस 85,000 रुपीस रखा है यार गूगल ने, बहुत ज्यादा हायर साइड है। इस वाले प्राइस कैटेगरी में लोग जो है सैमसंग, आईफोन सबसे पहले देखते हैं, खैर ऑफर लगाने के बाद ये जो है 70,000 रुपीस का मिलता है। और इसको देखते हुए, लाइक 70,000 रुपीस का प्राइस सेगमेंट देखते हुए, फोन तो इंटरेस्टिंग है और जो फीचर्स है वो एक्चुअली में फ्लैगशिप लेवल के तो ये लेकर आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यार गूगल का फोन है तो ये भी एक थोड़ा सा इसको वैल्यू ऐड करता है। बट स्टिल पिक्सल 7 प्रो को ना थोड़ा और जज करने की नीड है मुझको, और बाकी कॉम्पिटिशन से मैं कंपेयर करूंगा, उनके साथ भी वीडियो लेकर आऊंगा, चाहे फिर वो आईफोन हो, मे बी मैं मोटोरोला के फोन के साथ इसको कंपेयर करूं, वो वाली वीडियोस को मिस मत करना। उसके लिए आप सब्सक्राइब करके हमारे टेक बाजार में ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।